सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि महामंत्र क्या है जिसे राम, शिव, विष्णु, ब्रह्मा भी जपते हैं। शास्त्रों में बहुत सारे वर्णन आते हैं, आप और ऐसे दृष्टांत आते हैं जिसमें कि शिव जी भी जप कर रहे हैं, राम राम का जप कर रहे हैं। राम किसका जप कर रहे हैं तो कहते हैं राम जो है शिव शिव का जप कर रहे हैं, और शिव जी की पूजा कर रहे हैं शिव जी राम जी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु जी शिव जी की पूजा कर रहे हैं शिव जी विष्णु जी की पूजा कर हैं, विष्णु जी ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु की पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव की पूजा कर रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं। यानी इनमें जो अनेकता आपको दिखती है उसको एकमय बतलाने का शास्त्र का उद्देश्य है। यानी यह जो पर ब्रह्म परमात्मा है, उनके जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, उनके जो भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं किसी कार्य की वजह से, तो कार्य उनके ऐश्वर्य को बतलाने के लिए जो नाम दिए गए हैं, तो अब यह प्रश्न उठता है कि वे जो उनके परमात्मा के जो ऐश्वर्य हैं भिन्न भिन्न, तो वे आपस में ही एक दूसरे करते हैं क्योंकि वे परमात्मा ही है, परमात्मा के भिन्न स्वरूप जो हैं वे परमात्मा ही है, तो वे आपस में ही एक दूसरे का जाप करते हैं। अब ये सारे मिलकर के किसका जाप करते हैं, तो जो पर ब्रह्म परमेश्वर हैं उन्हीं का जाप किया जाता है। तो पर ब्रह्म परमेश्वर जो सबसे बड़ी इकाई है, उसी का जो सबसे बड़ा मंत्र है, उसी का जाप कोई भी करेगा। मंत्र का मतलब क्या होता है? मंत्र का मतलब होता है मन का त्राण। तो जो मानव शरीर है, चाहे व्यक्ति का, चाहे परमात्मा का, चाहे समाज का, चाहे किसी का भी, तो सबका जो मानव शरीर है वह मानव शरीर अंततः जो अशारीरिक शरीर है, उस अशारीरिक शरीर से ही वह प्रेरित होता है। छोटा से छोटा हो या विराट से विराट हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, विराट से विराट हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उन सभी के मानस शरीर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तु के मानस शरीर नहीं, वस्तुओं के भी मानस शरीर होते हैं, सबके मानस शरीर है। और वह मानस शरीर अपने प्राण के लिए, प्राण का अर्थ होता है कल्याण, तो अपने प्राण के लिए, अपने कल्याण के लिए, और कल्याण किस अर्थ में होगा? कल्याण इस अर्थ में होगा कि उसे संपूर्ण बोध हो जाए, उसे अपनी संपूर्णता का बोध हो जाए कि वह कितना विराट से विराट है और कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और यह कि वह अनंत है, अनंतता का बोध ही महामंत्र में आता है। यानी त्राण जो है, महात्राण, जिसके बाद फिर त्राण की कोई आवश्यकता नहीं रहे, वही महात्राण है, और वह अनंत होता है। अनंत से बड़ी इकाई संभव ही नहीं। तो अनंत जो है उस चीज का जो द्योतक हो सकता है, जैसे कि ओम जो है ये द्योतक है अनंतता का, इसमें साकार भी है निराकार भी है, इसका बहुत सारा हिस्सा व्यक्त है, बहुत सारा हिस्सा अव्यक्त है,
जो अव्यक्त है और व्यक्त है, ये दोनों मिल करके ही अनंतता को बतलाते हैं। इसलिए ओम को महामंत्र कहा गया है। अब उसको और जितना अभिव्यक्त करेंगे छोटे हिस्से में, उसके हिसाब से वहां जोड़ने चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय फिर जोड़ देते हैं, ओम के साथ कुछ भी जोड़ देंगे, ओम नमो वासुदेवाय कह देंगे, ओम नमो पद्मे होम कह देंगे। तो ओम के साथ ही कुछ जुड़ता चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ओम जो है वह महामंत्र है, क्योंकि वह समग्र अस्तित्व का संकेतक है, समग्र अस्तित्व का द्योतक है, तो इसलिए वह महामंत्र है। यानी परम कल्याण मोक्ष की जो अवस्था होती है, परम मोक्ष, वह जो अवस्था है उसी से हमें त्राण मिल सकता है, उसी से सभी वस्तुओं को त्राण मिल सकता है। तो उसका ही जाप कोई कर सकता है। तो परम अस्तित्व का जाप करना, उसकी अनंतता का जाप करना, यही महामंत्र है। और चाहे कोई कैसा भी हो, उसको उसका जाप करना ही पड़ता है। और जाप करने का मतलब यह नहीं है कि अंगुली से वो या मुंह से बुदबुदा रहे हैं, वही जाप नहीं होता। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा भी समझ रहे होंगे, लेकिन यही एकमात्र जाप नहीं है। अजपा जाप भी होता है, जो श्रेष्ठतम माना जाता है। अजपा जाप यानी जाप नहीं करते हुए जो जपा जा रहा है, यानी मौन जो है, संपूर्ण मौन, इसको निर्वाण भी कहा गया, जिसमें वाणी नहीं रह जाती, वह भी जाप है, अजपा जाप है वह। तो संपूर्ण मौन हो जाना, यानी समग्रता में आ जाना, अनंतता में आ जाना, वह महामंत्र है। तो अजपा जाप है वही महामंत्र है। वह शब्द के रूप में हो तो वह महामंत्र नहीं होगा। शब्द के रूप में जब भी होगा तो वह मंत्र ही होगा। महा तो तब लगेगा जब वह मन से आगे चले जाए, यानी मनस तत्व से आगे का जो तत्व है, विज्ञानमय तत्व है, विज्ञानमय कोष है, उसमें चले जाए, आनंदमय कोष है, आनंदमय तत्व है, वहां तक चला जाए और सबको एक साथ हो, वह इंगित करता हो, यानी अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय, इन सबको ही इंगित करता हो और इनसे ऊपर भी हो, ये पंच कोष हैं, इनसे भी ऊपर हो, यानी पूरी अनंतता, जिससे बड़ा, जिसमें और बाकी कुछ भी नहीं छुटा होगा जाता है, वह मन से बाहर चलने की सत्ता हो जाती है। तो इसलिए वह महा लग जाता है, या परम भी कुछ लोग कहते हैं, परम मंत्र, महामंत्र से भी आगे परम मंत्र हो सकता है, होता है। तो वे जो हैं जो परम बोध को उपलब्ध कराते हैं, वो परम मंत्र होंगे और वह परम ब्रह्म को ही इंगित करते हैं, वह परम आत्मा को इंगित करते हैं, परम अस्तित्व को इंगित करते हैं। इसलिए वह अवस्था जो अजपा जाप के द्वारा ही शुरुआत, तो भले आप किसी प्रकार के जप से करते हैं, लेकिन वह अंततः अजपा जाप में चला जाए तो वह परम मंत्र हो जाता है। तो फिर आपको करना नहीं पड़ता, क्योंकि करने की क्रिया जो होती है वो परम नहीं होती है, क्रिया सीमित होती है। तो क्रिया से अक्रिया में प्रवेश कर जाना, वह जो है परम मंत्र हो जाएगा, तभी मन पूरा त्राण पाता है, अन्यथा
मन में ग्लानि, क्षोभ, दुख, इस तरह के जो संस्कार हैं, जो साकार अस्तित्व के संस्कार हैं, वे बने रहते हैं। तो इन संस्कारों से ऊपर उठ जाने के लिए ही परम मंत्र है, महामंत्र है, जिसको चाहे कोई भी अस्तित्व में आए, चाहे किसी प्रकार का कोई देव हो या महादेव हो, उन सभी को जपना होता है और अजपा जाप से होता है। इसीलिए उनकी जो कहीं प्रतिमा भी बनती है तो आप देखेंगे कि वह भी ध्यान मुद्रा में, साधना मुद्रा में बनती है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, सभी ध्यान अवस्था में हैं, वह अजपा जाप में है, वो महासमाधि में है, और महासमाधि के महामंत्र में वे संलग्न। तो यही इसका संदेश और तात्पर्य हुआ। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हरिओम।